आगरा से केला देवी पदयात्री भारी संख्या में करौली के लिए निकलते हैं। नवरात्रि तक यह दौर जारी रहता है। भक्तों की आस्था ऐसी है कि भक्त 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलकर माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है भक्तों की मुँह जवानी। ऐसा लाइव न्यूज के लिए संजय प्रजापति की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सोनू चौधरी। कौन सी जगह? मलपुरा। मलपुरा में बड़ा तरीके का भंडारा ये आयोजन हो रहा है? ये भंडारा करीबन 2 साल से नहीं चला। ये तो 2 साल से पहले लॉकडाउन था। लॉकडाउन के अपेक्षा पहले मेरिजम नहीं था बालाजी गार्डन। तो इस रोड पर चलती जनता शमशाबाद फतेहाबाद के लोग आते हैं इसमें ढोकी कुंडल तक के। तो उनके लिए यहाँ से 7 किलोमीटर एरिया पड़ता है। ये तो 7 किलोमीटर एरिया में कोई भंडारा नहीं लगता है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये केला देवी जा रहे हैं। 200 किलोमीटर एरिया लंबा पड़ता है। इसमें यात्रियों को बड़ी दिक्कत आती थी। तो हमने यहाँ बैठने की, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करी। किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है यात्रियों के लिए? सभी अच्छा। खाने पीने की? खाने पीने बढ़िया, अच्छा, ठंडा पानी, रहने की व्यवस्था है सब। यात्रा श्रद्धालु जा रहे हैं। किस तरीके का भंडारा है क्या यहाँ? कई तरह की नमकीन आइटम, चाट पकौड़ी, शाम को खाना चलता है, सुबह चाय चलती है, पकौड़े चलते हैं। सभी भक्तों का अच्छी तरह से बड़ा मान सम्मान और देखा जा रहा है। कितने दिनों से ये आयोजन हो रहा है? ये कई दिन हो गए इसको, ये कई दिन से चल रहा है और अच्छी खासी भीड़ चल रही है। 2 साल से जो कोरोना में यात्री जो बंद हैं, ये यात्रा बंद है, उसका काफ़ी असर है। क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि 2 साल से जो बंद है यात्रा, ये बहुत बड़े लेवल का मेला हो रहा है। गत वर्ष जो पहले होता था उससे काफ़ी बड़े लेवल का मेला हो रहा है। मेरे संज्ञान में ये है कि इतनी यात्रा अब निकल रही है यहाँ से, इतनी यात्रा कभी निकली नहीं है। ये मलपुरा मार्ग से जो मिड़ापुर तक, इस तरह का कोई भी आयोजन और कोई भी भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दीपक शमशाबाद केला देवी। केला देवी पैदल यात्रा जी? किस तरीके की आस्था है मैया को? मैया को जो मानते हैं उस तो आस्था तो है ही है सबकी। कब से जा रहे हैं, कितने सालों से? मैं दूसरी बार जा रहा हूँ अभी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन शमशाबाद से है अपना 180 किलोमीटर के आसपास। 180 किलोमीटर की परेशानी आएगी इसकी? अभी तो कोई परेशानी नहीं है, पहले भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैया ने चाहा फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई। बंदना कहाँ से आ रही हैं आप? रोहतास से। कहाँ जा रही हैं? करौली। पैदल जा रही हैं? हाँ। कैसी आस्था है मैया को लेकर? सही। कितने सालों से जा रही हैं? अभी तो दूसरी है। कितनी दूर है यहाँ से मैया का? बहुत दूर है जाने के लिए तो। परेशानी होगी? नहीं। सब विश्वास है? हाँ, मैया पे विश्वास है। मैया आपका नीलम कहाँ चले जा रहे हैं आप? पैदल ही? इनको भी लेके साथ में जा रहे हैं? अच्छा, पैदल ही पैदल जा रहे हैं आप? हाँ। काफ़ी दूर है? नहीं, चली गई। अच्छा, कैसा लग रहा है जाते समय? अच्छा लग रहा है। कितनी बार से जा रहे हैं आप लोग? अभी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपके फर्स्ट टाइम? अच्छा, क्या क्या मांगने जा रहे हैं वहाँ से? मैंने कहा हमने मांग ली। अच्छा, फिर इनको साथ में लेके जा रहे हैं आप लोग? घर पर अकेले हो जाएंगे? अकेले किसके भरोसे छोड़ जाएंगे इसको? अच्छा, इसलिए साथ में लेके जा रहे हैं। हाँ। आप इनसे बहुत प्यार करते हो? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। अमित कहाँ जा रहे हैं? पैदल ही पैदल? पैदल केला देवी। थकान नहीं होती इतनी दूर जाते में? नहीं होती है, बस वह जो बुलाता है वही। अच्छा, क्या आप अपने साथ इनको भी लेके जा रहे हैं? क्या नाम है इनका? एक का नाम जिम्मी है और एक का नाम सीटी है। अच्छा अच्छा, इन दोनों को भी लेके जा रहे हैं? हाँ। क्यों? अब घर पर कोई है नहीं, इस चक्कर में साथ ही लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है जाते समय? है क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, 2 साल से नहीं जा पाए होगे आप लोग? नहीं, 2 या 3 साल हो गए मेरे। अच्छा, कोरोना की वजह से अब आप लोग जा रहे हैं। क्या नाम है दादी आपका? अंगूरी। कहाँ से आ रही हैं आप? पवावली से। कहाँ जा रही? तो बता लें जो पे। पवावली से आ रहे हैं। करौली आ रहे हैं। कितनी बार से जा रही हैं? अरे 30 बार जा रहे हैं। लगभग कितनी दूर है मैया का दरबार? दूर है भाई, तो बहुत। तो रास्ते में किन-किन सामना करना पड़ता है परेशानियों का? कुछ परेशानी ना होते। अच्छा, हाँ। आप कितनी बार गई हैं इससे पहले? 2 बार चले गए, मुझे 3 साल चल जा रहे हैं। इस बार विश्वास है माता रानी को लेकर? क्या कह रहे हैं? हाँ, माता रानी के जोर ही जा रहे हैं।